शांति। अभी हम इस नुमा शाम के समय में उस परम पिता परमात्मा की याद में स्थित होंगे जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सहारा हैं। तो चले कुछ समय के लिए इस रूहानी यात्रा पर उनसे मंगल मिलन मनाने और पूरे विश्व को साकाश देने। तो अपने आप को एक संकल्प दें कि मैं आत्मा ब्रह्मकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये शरीर नाशवान है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अमर हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। इस नुमा शाम के समय में हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा इस देह के बंधन से अलग होकर चलती हूँ अपने अनादि स्वरूप में, उस निराकारी दुनिया में जो मुझ आत्मा का असली घर है। मैं आत्मा खुले आसमान में उड़ चले उस सुनहरी दुनिया में, यह सुनहरी लाल प्रकाश ही प्रकाश है और वहां मेरे प्राणनाथ शिव बाबा विराजमान हैं। निहारे उसने, बड़े प्यार से निहारते रहे वो महाज्योति शिव बाबा। रूप में ज्योति बिंदु और गुणों में सिंधु, निहारते रहे उन्हें और उनकी शक्तियों को महसूस करें कुछ क्षणों के लिए। महसूस करें ये शक्तियां मुझ ज्योति बिंदु आत्मा में समा रही हैं। शिव बाबा से असीम शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। शिव बाबा शांति के सागर हैं। इस शांति धाम में मैं आत्मा उनकी शांति के किरणों को अनुभव कर रही हूँ। असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। इस शांति में गहरा आनंद है, परम आनंद
बस बाबा और मैं एक ही मन में संकल्प है, बाबा बाबा बाबा, और मैं एक असीम शांति में, परम आनंद की स्थिति में हूँ। मैं आत्मा अपने शांति धाम से पार्ट प्ले करने के लिए इस धरा पर अपने आदि स्वरूप में आ रही हूँ। वो स्वर्णिम दुनिया यहाँ असीम सुख शांति पवित्रता है। इस स्वर्णिम दुनिया में चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य सोने के बने हुए महल और उसमें हीरे जड़ित जमुना के कंठे पर सब देवी देवता ब्राह्मण कर रहे हैं। कुछ देवी देवता पुष्प विमान पर उड़ रहे हैं और कुछ रास कर रहे हैं और कहीं पर राज दरबार लगी है। शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। चारों तरफ मंगल में स्थिति है। डबल ताजधारी में आत्मा देवताई स्वरूप में स्वयं को महसूस कर रही हूँ। अपने सतोगुणी अवस्था में सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी अवस्था में ईश्वरनिक दुनिया में मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले करते अगले जन्म में, फिर उससे अगले जन्म में, इस तरह से मैंने पूरा सतयुग दुनिया त्रेता युग सब में पार्ट प्ले किया। अपनी सुख की अवस्था में जन्म लेते लेते में आत्मा अपनी पूजनीय अवस्था में आ गई। यहाँ मंदिर है और मंदिरों में ढेर भगत खड़े हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा अपनी पूजनीय अवस्था में सब भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उस मंदिर की मूर्ति में स्थित हो जाती हूँ और सबको वरदान दे रही हूँ। मेरे मस्तक से
नैनों से भक्तों को शांति की शक्ति की किरणें फैल रही हैं। सब दर्शन पाकर संतुष्ट हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। मैं आत्मा अब अपने ब्राह्मण स्वरूप में हूं। मैं मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, कोटों में कोई में भी कोई। मैं विशेष आत्मा हूं। भगवान की नजर मुझ ब्राह्मण आत्मा पर पड़ी। मैं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूं जो बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी। स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। रोज बाबा बाप बनकर शिक्षा समझाने देते हैं। बाबा की वारिस हूं मैं, वह मेरा भाग्य। मैं बाबा का वारिस हूं। सतगुरु बनकर बाबा वरदानों से हमें श्रृंगार रहे हैं, वह मेरा भाग्य। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कौन मिला है मुझे, मन गदगद हो रहा है कि स्वयं भगवान मुझे पाल रहे हैं, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान मुझे वरदानों से श्रृंगार रहे हैं। वाह मेरा भाग्य। मैं आत्मा चलती हूँ अपने फरिश्ताई स्वरूप में। सूक्ष्म वतन यह सफेद चांदनी सा प्रकाश है, यह मेरे प्राण नाथ बाप दादा विराजमान है। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, बाहें फैलाए, आओ मेरे फरिश्ता आओ। मैं अपनी चमकीली ड्रेस में, फरिश्ता ही ड्रेस में बाप दादा के सन्मुख हूँ और धीरे धीरे मैं फरिश्ता बाबा की भुजाओं में समा जाता हूँ। बाबा के मस्तक से नैनों से वो प्यार छलक रहा है, वो शक्ति वो पवित्रता चारों ओर एक परकंपन बनकर मुझ फरिश्ते में समा रही हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे सदा विजयी भव। सदा सफलता मूर्त भव। सदा निर्विघ्न भव।
बाबा से असीम वरदान पाकर मैं फरिश्ता वरदानों से सुसज्जित हूँ। बाप दादा ने मुझे गोल्डन पहाड़ी की ओर इशारा किया और मैं फरिश्ता उस पहाड़ी पर स्वयं को स्थित कर लेता हूँ और हाथ में ग्लोब जो कि एक डार्क रंग का हो गया, तो बाबा की शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें एक प्रकंपन के रूप में इस ग्लोब में जा रही है मुझ फरिश्ते के माध्यम से, और वो सुनहरी किरणों से ये ग्लोब एकदम सुनहरी होता जा रहा है। बाबा की पवित्र किरणों से, उस सुनहरी किरणों से ग्लोब में भी सुनहरी प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। बाबा ने इशारा किया और बाबा के सन्मुख में फरिश्ता बाबा ने इशारा किया बच्चे अपने पूजनीय स्वरूप में कल्प वृक्ष की जड़ों में स्थित हो जाओ। कल्प वृक्ष का उल्टा झाड़ और मैं फरिश्ता उस जड़ों में स्थित हूँ। बाबा की सर्व शक्तियां की किरणें मेरे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष में, पूरी टहनियों में, पत्तों में फैल रही हैं। शक्तिशाली किरणें प्रकंपन के रूप में पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। सभी धर्म की आत्माओं तक फैल रही हैं। मैं फरिश्ता पूरे कल्प वृक्ष को बाबा की शक्तिशाली किरणों से फैला रहा हूं। पूरे कल्प वृक्ष में सब पत्तों तक बाबा की शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं, पवित्र किरणें फैल रही हैं, शांति की तरंगें फैल रही हैं। अब मैं फरिश्ता अपने इस फरिश्ता ड्रेस से अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर परमधाम में चला जाता हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा
शिव बाबा के सामने हूँ। शिव बाबा शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर मेरे सच्चे पिता हैं, सच्चे सतगुरु हैं, सच्चे टीचर हैं। वो मेरे सच्चे साजन भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह मीठा बाबा वाह, जो स्वयं भगवान ही सर्व सुबंधों का सुख मुझ पर लुटा रहे हैं। मुझे और कोई चाहत ही नहीं, जो सर्व रिश्ते बाबा से जुड़ गए, और किसी रिश्ते की अपेक्षा ही नहीं। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, बाबा से असीम शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा बाबा से सर्व संबंधों का सुख पाकर, बाबा से असीम शांति, पवित्रता, शक्ति अपने अंदर समाते हुए वापिस इस साकार लोक में लौट रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर लौट रही हूँ। अब मैं आत्मा सब बंधनों से मुक्त हूँ। ना तन का बंधन, ना मन का बंधन, ना संकल्पों का बंधन। मैं आत्मा असीम शांत में स्थिति में हूँ, असीम खुशी का अनुभव कर रही हूँ। बस मन में एक ही गीत है, पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। बाबा सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहिए। वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरे साथ सब कुछ अब से अच्छा ही होगा, मेरे साथ सब कुछ अब से अच्छा ही होगा। क्योंकि मैं आत्मा इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति शांति।